हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है वोकैब सेशन नंबर 24 में। और वो माय डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने 23 सेशंस नहीं देखे हैं, चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट है वोकैब की, आप जाओ और 23 सेशंस और देखो। प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना, स्क्रीनशॉट के चोचले मत पालना। चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैब सेशन नंबर 24। आज के सेशन में मैं रूट मेथड के थ्रू चलूंगा, बट आपको मेरी टेक्निक पता है, उस रूट मेथड को ग्रामर से रिलेट करते हुए हम चलेंगे और दोनों के साथ वोकैब को याद करने का तरीका ढूंढेंगे। ऐसी बेहतरीन वोकैब याद होगी, लाइफ में कभी भूलोगे नहीं, बट उसके लिए प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते हुए चलना। चलिए डियर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज देखो मेरे पास रूट क्या है। आज जो मैं रूट यूज करने वाला हूं दैट इज ओमनी। आज का जो रूट है वो है ओमनी। अगर मैं ओमनी के मीनिंग को अंडरस्टैंड करता हूं तो जब भी आपको ये रूट किसी वर्ड में यूज हुआ दिखे तो आप डियर समझ जाना इसका जो मीनिंग आप रिलेट करेंगे वो ऑल से करेंगे। मतलब आपको ओमनी जहां भी लिखा हुआ दिखेगा इसका मीनिंग जो आप रिलेट करेंगे वो ऑल से रिलेट करेंगे। क्लियर है? सो ये रूट है, सिंपल से इसका मीनिंग होता है, बट मैं वर्ड्स इससे वो बना के आपको कराऊंगा जो एग्जामिनर के फेवरेट रहे हैं और एग्जाम में बार बार आए हैं और आगे भी आएंगे, तो ध्यान से सुनना। सो ओमनी आज का रूट है जिसका मीनिंग हो गया ऑल। ध्यान दो डियर, पहला वर्ड इससे हम क्या बनाने वाले हैं, मीनिंग अगर आपको पता हो तो आप भी सोचना, अदरवाइज आप मेरे साथ जुड़े रहना। ध्यान दो, मैंने ओमनियाना एक पहला वर्ड मैंने इससे बनाया। अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो बहुत अच्छा वर्ड है और मैं पहले ही मार्क करके चलूं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होगा, आप देखना। अगर मैं ओमनियाना वर्ड को समझने की कोशिश करता हूं तो इसमें रूट अपने आप में यूज हुआ है ओमनी, और अगर मैं देखूं तो इसमें आपको दिखाई देगा आना। दो आपको अलग अलग सेपरेट यहां दिख रहे हैं, ओमनी और आना। मुझे समझना है कि ओमनी और आना में ओमनी क्या मीनिंग देगा, जरा ध्यान दो। रेड मार्कर शायद दिखाई ना दे, मैं चेंज कर लेता हूं, मैं ब्लू ही ले लेता हूं। ध्यान दो डियर, जो ओमनी अपना मीनिंग रिलेट करेगा वो मैंने बोला ऑल से रिलेट करेगा, चलो ये बात समझ आती है। मुझे समझना है अब आना अपना मीनिंग किस चीज से रिलेट करेगा। आना को भी ध्यान से समझना, ये वर्ड एग्जैक्टली एक नहीं, अपने आप में ये दो मीनिंग कवर करके चलता है। एक नहीं, अपने आप में ये दो मीनिंग कवर करके चलता है। देखो अगर मैं आना को समझूं तो सेपरेट, अगर मैं इसको एज अ सफिक्स समझने की कोशिश करूं, देर आपको प्रीफिक्स सफिक्स का ज्ञान है, अगर मैं देखूं तो ओमनी में सफिक्स किया गया है क्या, आना। तो अगर इसको मैं सफिक्स के तौर पे समझूं तो इसका एक सिंपल सा मीनिंग निकल के आता है इंफॉर्मेशन। अगर मैं आना को सफिक्स के तौर पे समझने की कोशिश करता हूं मेरे भाई, तो इसका मीनिंग निकल के आता है इंफॉर्मेशन। बट अगर मैं आना को एक सेपरेट नाउन की तरह समझने की कोशिश करूं, आना को एक सेपरेट नाउन की तरह समझने की कोशिश करूं, तो याद रखो एक इसका मीनिंग आता है अ कलेक्शन ऑफ मेमोरेबल सीन ऑफ अ पर्सन। अ कलेक्शन ऑफ मेमोरेबल सीइंग ऑफ अ पर्सन। सपोज करो कोई इंसान है, उसने कुछ बात कह दी, उसकी वो सेइंग, उसकी वो बात इतनी ज्यादा जो है हिट हो गई, फेमस हो गई कि उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। सो मैंने बोला उस चीज की जब आप एक कलेक्शन मेंटेन करते हैं उस कलेक्शन को भी क्या बोलते हैं, आना, जिसमें आना एज अ नाउन ही सेपरेट यूज हो रहा होता है। सो आना का सफिक्स के तौर पर मीनिंग निकल के आता है इंफॉर्मेशन, और नाउन के तौर पर ये मीनिंग निकल के आता है। दोनों मीनिंग को और चीजों को ध्यान से रखना। दूसरा देखो, अगर मैं आना को एक तीसरे मीनिंग से और रिलेट करूं तो एज अ नाउन आना अपने आप में एक तीसरा मीनिंग और रिलेट करके चलता है मेरे भाई, ध्यान दो। तीसरा मीनिंग क्या होता है, आप इसी में बोलते हो अ कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग, अ कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग सेइंग्स, या आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग सेइंग के बजाय इंफॉर्मेशन कह दो, a collection of interesting information of a person or place।
किसी प्लेस के बारे में इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, इंटरेस्टिंग पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन हो, इंटरेस्टिंग या प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन हो जो उसकी कलेक्शन होती है, उसको भी बोलते हैं आना। इसका मतलब ये छोटा सा वर्ड अपने आप में तीन तरह के मीनिंग देता है। आना अगर एज अ सफिक्स से देखोगे तो इसका मीनिंग इंफॉर्मेशन निकल के आएगा। आना को एज अ नाउन देखोगे तो इसका सेकेंड मीनिंग कलेक्शन आएगा, जो सेइंग लोगों ने कही, किसी भी पर्सन ने बात कही, उसकी मेमोरेबल सेइंग की जो कलेक्शन है। दूसरा, एक कलेक्शन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, चाहे वो पर्सन या किसी प्लेस की है, ये तीसरा मीनिंग रिलेट करेगा। अब तीनों में से हमें आना समझ आ गया। अब हमें यही देखना है कि ओमनियाना जो वर्ड है उसमें ओमनी प्लस आना, इस आना का मीनिंग क्या होगा। हमने देखा ये तो सफिक्स है, इसका मीनिंग रिलेट करेगा इंफॉर्मेशन से। ठीक है जी। सो अब ऑल और इंफॉर्मेशन, इसका मतलब किसी भी मैटर, किसी भी डिफरेंट टॉपिक्स की आपके पास सारी इंफॉर्मेशन गैदर है, सो उसको बोलते हैं ओमनियाना। तो ओमनियाना का अगर मैं फाइनल मीनिंग समझने की कोशिश करूंगा डियर, तो मैं बोलूंगा इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होना, इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होना, तो उसके लिए एक सेपरेट वर्ड बनाया गया ओमनियाना। अब सपोज ये अब कहानी ये आती है कि ओमनियाना की पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली क्या होती है। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती है वो एज अ नाउन ही ये वर्ड यूज किया जाता है। सो ओमनियाना अपने आप में एक नाउन है जिसमें ओमनी प्लस आना जुड़ा है। आना इंफॉर्मेशन से रिलेट करता है, ओमनी ऑल। सो ऑल टाइप की इंफॉर्मेशन, डिफरेंट टॉपिक्स के आपके पास एक कलेक्शन होना, वो इंफॉर्मेशन होना, उसी स्टेट को हम बोलते हैं ओमनियाना, जिसमें आना अपने आप में सफिक्स है जो इंफॉर्मेशन मीनिंग रखता है, अपने आप में एक नाउन भी होता है जो दो टाइप के मीनिंग रखता है। पहला वर्ड दिमाग में गया डियर, वर्ड को गिनना मत कि मैंने एक वर्ड करा दिया दो, ये देखना टेक्निकल वे से आपने कितनी सारी इंफॉर्मेशन किसी चीज के रिगार्डिंग ली है। वो होते हैं ना जो बच्चे एक मिनट में एक वर्ड याद कर लेते हैं, एक मिनट में दो वर्ड याद कर लेते हैं, बेटा वो रटते हैं, किसी वर्ड को समझने में समय लगता है। और फिर ऐसा अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे अपना टाइम, तो उसके बाद इतनी दिवाव आपको वो कैब समझ आएगी कि लाइफ लॉन्ग आप नहीं बोलोगे। चलिए मिलते हैं सेकंड वर्ड से। अब ऐसे ही टेक्निकल में एक सेकंड वर्ड आपके पास आ रहा है, जरा गौर फरमाइएगा मेरे भाई, जिसका मीनिंग है ओमनीबस। अब देखो ओमनीबस का मीनिंग क्या होता है। अब इसको भी मैं अगर ब्रेक डाउन करूं तो ये ओमनी प्लस बस से है। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूं मेरे भाई, तो ये बनेगा ओमनी प्लस बस। सवाल है कि ओमनी का मीनिंग तो हमें पता है, ऑल से रिलेट कर लेगा, ठीक है। सर बस का मीनिंग क्या होता है? अब आप बोलोगे सर बस का तो हमें पता ही है। बस का क्या है? बस अपने आप में एक व्हीकल है जो मैनी पैसेंजर्स को क्या करता है, कैरी करता है। सो उसी चीज के लिए आप बस यूज करते हो, ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसा ही मीनिंग है, पर थोड़ा सा रिलेट उसी तरीके से करना है, जरा चीजों को समझने की कोशिश करना। जो ओमनीबस बेसिकली यहां तौर पे यूज होगा, वो ओमनीबस के पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से इसकी मीनिंग डिसाइड होंगे। ओमनीबस के पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से इसकी मीनिंग डिसाइड होंगे। सबसे पहले ध्यान से सुनो, अगर मैं ओमनीबस को एज अ नाउन की तरह ट्रीट करूं, तो याद रखो डियर, इसके नाउन की तरह इसके दो मीनिंग आते हैं। सबसे पहले ओमनीबस का एक ओल्ड यूज, मतलब बहुत पहले यूज किया करते थे ओमनीबस को, लाइक अ बस। जैसे आप बस वर्ड को यूज करते हैं वैसे ही ओमनीबस को यूज किया करते थे पहले। ओमनीबस को बस की तरह, मतलब एक व्हीकल जो कैरी करता है सो मेनी पैसेंजर्स, बहुत सारे पैसेंजर्स को एक व्हीकल जो कैरी करता है उसको बोलते हैं क्या, ओमनीबस, जिसको हम अब न्यू यूज में क्या बोलने लग गए, बस। इसी का ओल्ड यूज क्या हुआ करता था, ओमनीबस, जिसमें ये किसकी तरह यूज होता था, एज अ नाउन। ये हो गया जी आपका पहला मीनिंग, क्लियर है। सेकंड देखो, ओमनीबस जो होता है वो सेकंड अपने रिगार्ड में एज अ नाउन ही यूज होगा, बट उसका जो मीनिंग यहां आ जाएगा वो डिफरेंट आ जाएगा। ध्यान रखना डियर, जो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख रहा हूं, आवाज क्लियर है ना? हाँ, मैं देख रहा हूं स्क्रीन पे आवाज यहां से तो क्लियर है। चलो, तो एज अ नाउन में लिख रहा हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे फोकस रखना। तो ये नाउन है तो ये मीनिंग है, ये भी नाउन है बट इसका मीनिंग सेंटेंस के यूज पे डिपेंड कर जाएगा और मीनिंग चेंज हो जाएगा। ध्यान दो, इसका मीनिंग है अ बुक दैट कंटेन्स सेवरल अदर बुक्स। एक
ऐसी बुक जो कंटेन करती है बाकी दूसरी बुक्स को। मतलब ध्यान से सुनो, आपने कोई बुक निकाली जिस बुक में इंफॉर्मेशन बहुत सारी बुक्स की एक साथ कंटेन करके आपने दे दी, बहुत सारी बुक्स का उसमें जिक्र था, सो वो सारी इंफॉर्मेशन आपने कंटेन करके एक ही बुक में दे दी, सो उसके लिए भी उस बुक की में भी जिस बुक को आप कंटेन कर रहे हो उसके लिए भी वर्ड यूज किया जाएगा ओमनीबस। सो ओमनीबस एक बुक है जो कंटेन करती है बहुत सारी अदर बुक्स जो पहले ही पब्लिश की जा चुकी हैं। अच्छा, इसी में मैं यहां लिख सकता हूं, अ बुक दैट कंटेन सेवरल अदर बुक्स प्रीवियसली पब्लिश्ड। डियर, जो पहले ही पब्लिश हो चुकी हैं उन बुक्स की आपने कलेक्शन वहां मेंटेन की है, उस एक ही बुक में आपने सारी बुक्स का जिक्र कर लिया, तो वही चीज बन जाएगी ओमनीबस। सो ओमनीबस का एज अ नाउन एक मीनिंग ओल्ड यूज जो बस की तरह यूज होता है, और दूसरा मीनिंग इसका यह है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके से मीनिंग रिलेट किया जा सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके से मीनिंग रिलेट किया जा सकता है, इसलिए हर एक मीनिंग को समझना, वर्ड एक है बट उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा है। क्लियर हो गया? जैसे अगर मैं इसको यूज करने की कोशिश करूं, एक एग्जांपल से समझो, मैंने बोला द ओमनीबस, द ओमनीबस ऑफ ऑल हिज स्टोरीज इज अ बेस्ट सेलर, ऐसा बना लेते हैं। ध्यान दो, अभी एक इंसान ने क्या किया, सपोज करो उसने बहुत सारी स्टोरीज लिखी पब्लिश कर दी, फिर उसने अलग अलग स्टोरीज को क्या किया, एक ही बुक में इंक्लूड करके वो बुक निकाल दी, वो उसकी एक बेस्ट सेलर रही। उसके लिए हमने बोला द ओमनीबस ऑफ ऑल हिज स्टोरीज, कि सारी उसकी अलग अलग स्टोरी जो पब्लिश हुई थी वो एक ही बुक में वो लेके आया, उसी कलेक्शन को मैंने बोला ओमनीबस। दिमाग में गया एग्जाम्पल के थ्रू? चलिए बात करते हैं आगे। तो सर ओमनीबस का एक मीनिंग आ गया ये, अब एक मीनिंग और समझना, अगर मैं ओमनीबस को रिलेट करने की कोशिश करूं एज एन एडजेक्टिव, सो इसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाएगा, इसका मीनिंग आ जाएगा इंक्लूडिंग मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करके रखना, उसके लिए भी ओमनीबस यूज किया जा सकता है। आप कह सकते हैं इंक्लूडिंग मैनी थिंग्स, और इसी का एक मीनिंग देख सकते हो इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आ जाएगा ना। देखना भाई, स्क्रीन नहीं दिख रही मेरे को अब, टाइप्स ऑफ थिंग्स। अगर बोर्ड पे एक दो वर्ड ना दिख पाए तो जो मैं बोल रहा हूं वर्ड्स को सुनना। क्लियर हो गया? तो ओमनीबस हो गया एज एन एडजेक्टिव यूज हो गया, इंक्लूडिंग मेनी थिंग्स और इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, उसके लिए भी वर्ड यूज किया जाता है ओमनीबस। बहुत सारी चीजों के संग्रहण को भी ओमनीबस के लिए यूज कर लिया जाता है। सो ओमनीबस एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, नाउन भी यूज किया जाता है, नाउन में इसके दो मीनिंग है। तीसरा, अब आते हैं कि एग्जाम में क्या, एग्जाम में मेरे भाई ये मीनिंग भी आ सकता है, ये मीनिंग भी आ सकता है, यूज पे डिपेंड करता है। लेकिन आज तक ये पूछा गया है, मतलब मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चल सकता हूं, आज तक एज एन एडजेक्टिव पूछा गया है। क्लियर है जी? अब यहां तक कॉपी करो, दो वर्ड हुए हैं गिनती में, बट बहुत सारी नॉलेज आपके पास आ चुकी है किस तरीके से इन चीजों को यूज करना है। डियर, इसी को बोलते हैं कि रूट को आप ग्रामर टेक्निक से कैसे रिलेट करते हैं, कैसे रूट को भी यूज करना है, ग्रामर को भी साथ रखना है, और किस तरीके से आप वर्ड्स याद करते हैं। आप कॉपी करो, फिर करते हैं आगे बातचीत, स्क्रीनशॉट के चोचले नहीं, कॉपी करो। चलिए मेरे भाई, कॉपी हो गया होगा, बातचीत करते हैं आगे। अब वर्ड नंबर थर्ड पे मैं आ रहा हूं, थर्ड वर्ड है ओमनीपोटेंट। ध्यान से सुनो, ये वर्ड भी आपने सुना होगा, बहुत बार एग्जाम में आया है, जो प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करते रहते हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने देखा होगा। मेरे भाई, अगर इस वर्ड को मैं समझने की कोशिश करूं तो ब्रेक डाउन करो जरा, बात को समझो, ओमनी प्लस किससे बना है, पोटेंट। अब जो पोटेंट मीनिंग होता है वो होता है पावरफुल, इसका मीनिंग रिलेट करता है पावरफुल से। क्लियर हो गया? और ओमनी में पता है ओवरऑल या ऑल से आप ओमनी का रिलेट करते हैं, मीनिंग ऑल या ओवरऑल से। अब ओवरऑल जो पावरफुल हो, मतलब सर्व शक्तिशाली, अपने आप में ही वो है, उसके पास इतनी पावर, इतनी स्किल, इतनी एबिलिटी है कि ही कैन डू एवरीथिंग, वो सब कुछ कर सकता है। सच दुनिया में एक ही है, हमारे भगवान।
सो हमारे गॉड सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है ओमनीपोटेंट, जिसके लिए मैं कह सकता हूं हैविंग, ओवरऑल इसका मीनिंग मैं कह सकता हूं हैविंग द एबिलिटी और स्किल टू डू एवरीथिंग, सब कुछ करने की आप में स्किल है, एबिलिटी है, उसके लिए ओमनीपोटेंट वर्ड यूज किया जाता है। दूसरा, अगर आपके अंदर वो चीज है, इसका मतलब तो ये एज एन एडजेक्टिव यूज होगा। अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच ओमनीपोटेंट की देखूंगा तो फिर वो एज एन एडजेक्टिव यूज होगा, आपके अंदर वो स्किल वो एबिलिटी होनी चाहिए। सो गॉड हैज गॉट द एबिलिटी टू डू एवरीथिंग, सब कुछ करने की एबिलिटी भगवान में है, तो उनके लिए हम कह सकते हैं गॉड इज ओमनीपोटेंट। क्लियर हो गया, उनके लिए वर्ड यूज किया जा सकता है। दूसरा, अभी एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में, जरा ध्यान से देखता हूं, उन्होंने एक स्टेटमेंट यूज की थी और उसमें ये वोकैब यूज हुई थी, मैं वो सेंटेंस आपके लिए लिखता हूं। उन्होंने लिखा था हाउ कैन हाँ ये थी शायद, हाउ कैन अ लविंग ओमनीपोटेंट God permit corona virus, कि कैसे जो हमारे लविंग ओमनीपोटेंट गॉड है वो कैसे परमिट कर सकते हैं कोरोना वायरस। तो ये पक्का इंसान की ही छेड़छाड़ है, समझ रहे हो ना, किस इंसान ने किया है, ये उनकी ही छेड़छाड़ है। उसमें स्टेटमेंट थी, तो देखो उसमें ये वर्ड यूज हुआ था ना, हाउ कैन अ लविंग ओमनीपोटेंट गॉड परमिट कोरोना वायरस, तो वो कोरोना वायरस को कैसे परमिट कर सकते हैं, तो ये भगवान की नहीं, ये शैतान दिमाग की है, और कौन है वो आदमी जानते हो इशारे। चलो आगे देखो, तो तीसरा वर्ड हुआ, तो ओमनीपोटेंट का मीनिंग कैसे रिलेट करना है वो चीज याद रखना। फोर्थ वर्ड पे बढ़ लेते हैं मेरे भाई, फोर्थ वर्ड की जरा जानकारी लेते हैं, ध्यान दो। अब ये है ओमनीप्रेजेंट, ओमनीप्रेजेंट। अब ओमनीप्रेजेंट क्या, इसको ब्रेक डाउन करने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे ही आप समझ लोगे। ये बना है प्रेजेंट और ये है ओमनी, ओमनी हुआ ऑल, और प्रेजेंट हुआ जो हर जगह प्रेजेंट है और हर जगह भी प्रेजेंट एट द सेम टाइम। कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसमें एबिलिटी है हर जगह प्रेजेंट होने की एट द सेम टाइम। अगर मैं बोलता हूं प्रेजेंट है और एट द सेम टाइम है, तो उसके लिए भी कौन है, इंसान या भगवान, तो ये वर्ड भी भगवान के लिए ही यूज किया जाता है। इसका मतलब, इसका मीनिंग आ जाता है प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, सेम टाइम पर हर जगह प्रेजेंट होना। सो ये एबिलिटी भी किसके पास है, गॉड के पास है। दूसरा, अगर मैं इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखूं तो डियर ये भी एडजेक्टिव, हाँ ऐसे कर सकते हो, सपोज ये एडजेक्टिव है मुझे इसका नाउन बनाना है, तो आप इसका नाउन बना दो ओमनी प्रेजेंस, ये एज अ नाउन यूज हो जाएगा। सो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट कैसे, बिकॉज गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, भगवान सेम टाइम पर हर जगह मौजूद है। दूसरा, ओमनी प्रेजेंस अगर आप यूज करोगे तो एज अ नाउन यूज हो जाएगा, क्लियर हो गया। जैसे अगर मुझे ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंस का कोई एग्जाम्पल बनाना है, जरा ध्यान दो, ओमनीप्रेजेंस ऑफ इंटरनेट, आज के टाइम में इंटरनेट ध्यान देखो हर जगह है, सो द ओमनीप्रेजेंस ऑफ इंटरनेट, सो इंटरनेट की ओमनीप्रेजेंस जो है वो हर जगह है, वो हर जगह फैल चुका है, जा चुका है, ये कह सकते हैं, क्लियर हो गया। चलो एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो, मैंने बोला हिज, या यहां लिखता हूं वरना थर्ड वर्ड नहीं आएगा, एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं मेरे भाई, ध्यान देना, हिज poetry was really about the omnipresence of God, कि उसकी पोइट्री इसी के बारे में थी कि भगवान हर जगह हैं, उसी के बारे में उसकी पोइट्री थी, तो मैंने बोल दिया द ओमनी प्रेजेंस ऑफ गॉड। सो अगर मैं समझू तो द आर्टिकल हुआ, आर्टिकल के बाद ओमनी प्रेजेंस यहां पर किसकी तरह यूज हुआ, एज अ नाउन यूज हो गया, कैसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये वर्ड का मीनिंग अंडरस्टैंड हुआ आपको, चलो मेरे भाई, जहां ना समझ आए डियर दोबारा से वीडियो को देख लेना और दोबारा से उन चीजों को समझ लेना, बस नोट्स मेंटेन करना, क्लियर हो गया। हर चीज पीडीएफ में नहीं होती बच्चे, हर चीज पीडीएफ में नहीं होती। दूसरा, इसकी भी पीडीएफ अवेलेबल होगी, इसकी भी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने कंटेंट भी और पीडीएफ भी डालना स्टार्ट किया है, जो नीचे आ रहा होगा, ठीक है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना, और फेसबुक इंस्टा हर जगह मैं हूं, जो भी आप यूज करते हैं उसको फॉलो करना।
तो वहां जाके आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिलेगी और ग्रामर के बाकी अदर टॉपिक्स की भी आपको पीडीएफ वहां पे मिलेगी। लेटेस्ट अपडेटेड मैंने कंटेंट डालना स्टार्ट किया है। चलो वापसी आते हैं टॉपिक पे, फिफ्थ वर्ड की बात करते हैं। फिफ्थ वर्ड क्या है? ओमनीफेरियस। अब ओमनीफेरियस वर्ड क्या है, दोनों को ब्रेक डाउन करके देखते हैं। डियर, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूं तो ये बनता है ओमनी प्लस फेरियस। अब अगर जो फेरियस वर्ड को मैं समझता हूं तो फेरियस आया है फेरियम से, फेरियस वर्ड आया है फेरियम। फेरियम का मतलब होता है पार्ट्स, अलग अलग काइंड्स, पार्ट्स, कुछ भी आप इसको कह सकते हो। उसके लिए फेरियस वर्ड यूज किया जाता है, मतलब फेरियस वर्ड आया है फेरियम। फेरियम जो रूट होता है उसका मीनिंग होता है पार्ट्स। सो इसका मतलब ओमनी का क्या हुआ, ऑल। सो ओमनीफेरियस भी एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है और इसका मीनिंग आता है डिफरेंट, ऐसे लिख लो इसको, ऑल डिफरेंट काइंड्स पार्ट्स टाइप्स, कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स होना, डिफरेंट पार्ट्स होना, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होना, डिफरेंट टाइप्स होना, उसके लिए यूज किया जाता है ओमनीफेरियस। तो फेरियस का मतलब है पार्ट्स, ओमनी ऑल ओवरऑल से रिलेट करेगा, सो उसका मतलब है डिफरेंट सारे काइंड्स, डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट टाइप्स, किसके लिए भी ओमनीफेरियस वर्ड यूज किया जा सकता है। जैसे सपोज करो आप कहीं किसी पैसेंजर्स को घुमाने लेके जाते हैं। देखो जिस दुनिया में जितने भी पैसेंजर्स हैं उनके उनके ओमनीफेरियस इंटरेस्ट है, उनके ओमनीफेरियस इंटरेस्ट है। उनके ओमनीफेरियस इंटरेस्ट क्यों है भाई, कोई चाहता है ऐसा कुछ हो, कोई चाहता है ऐसा कुछ हो, कोई चाहता है ऐसा कुछ हो। सो उनके डिफरेंट डिफरेंट के अपने टाइप्स के क्या हैं, इंटरेस्ट है। इसके लिए आप कह सकते हो जो पैसेंजर्स हैं वो होल्ड करते हैं ओमनीफेरियस इंटरेस्ट। क्लियर हो गया? जरा ध्यान से देखो, मैंने यहां इसको यूज करके दिखा देता हूं एग्जाम्पल में। सपोज करो मैंने बोला द व्यूज ऑफ द पैसेंजर्स आर ओमनीफेरियस। कि जो व्यूज हैं पैसेंजर्स के वो ओमनीफेरियस है, डिफरेंट डिफरेंट है, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, बट एज एन एडजेक्टिव। क्लियर हो गया? सो यहां तक कॉपी करो, फिर बातचीत करते हैं आगे। कॉपी स्क्रीनशॉट नहीं। चलिए डियर, कॉपी हो गया होगा, बातचीत करते हैं आगे। अब वर्ड नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा जाता है एग्जाम में, इस पे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेता हूं मैं। ये ओमनीसिएंट। अब ध्यान से सुनना, इस वर्ड को कैसे आप रिलेट करोगे, कैसे इसका मीनिंग आएगा, ध्यान दो। अगर मैं ओमनीसिएंट को समझने की कोशिश करता हूं तो ये भी दो में ब्रेक डाउन आपने करना है डियर। एक तो है ओमनी प्लस सिएंट। अब है कि सेंट का मतलब क्या होता है, देखो जो सेंट होता है ना वो एग्जैक्टली सेंट नहीं होता, वो सेंटिया होता है, सेंटिया। सेंटिया का जो मतलब होता है ना रूट का, वो होता है नॉलेज। सेंट जो वर्ड का मीनिंग होता है वो रूट का मीनिंग रिलेट करके आता है नॉलेज। अब अगर मैं ओमनी को देखता हूं तो ओवरऑल ऑल आप इसका मीनिंग रिलेट करके चल सकते हो। ओमनी का मीनिंग हो गया ऑल, सेंटा का मतलब हो गया नॉलेज, तो ऑल टाइप की नॉलेज इसका मतलब एक ऐसा पर्सन जो सब कुछ जानता हो। ऑल टाइप की नॉलेज मतलब आप कह सकते हो वन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा पर्सन जो सब कुछ जानता हो, उसके लिए आप कह सकते हो। अगर आप सब कुछ जानते हैं तो इसका मतलब ये आपकी क्वालिटी को कहीं ना कहीं डिफाइन करने की कोशिश करेगा, तो आप उसे एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो वन हु नोज एवरीथिंग, तो ओमनीसिएंट जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज होगा, जिसका मीनिंग इस तरीके से आएगा जो सिएंटा से आया है। सिएंटा का मीनिंग होता है नॉलेज। एग्जाम्पल से समझो, मैंने बोला द नोवल हैज एन ओमनीसिएंट नैरेटर। भाई उसमें इस तरीके से उसने नैरेट किया है नॉवल में चीजों को, बातों को, कि आप कहते हो यार ये बंदा तो सब कुछ जानता है। सो आप कह सकते हो द नॉवल हैज एन ओमनीसिएंट नैरेटर। क्लियर हो गया? अब नैरेटर नाउन हो गया, ओमनीसिएंट एज एन एडजेक्टिव यूज हो गया। इस तरीके से वर्ड यूज होता है, तो इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेवंथ वर्ड देखो, ये इजी वर्ड है बट मैं करा दे रहा हूं, कई बार बच्चा फिर कमेंट में लिख देता है अरे सर इससे तो ये भी बन सकता है, लास्ट सेशन में लिखा था ये सर इससे तो एम्बुल से कहीं एम्बुलेंस बना दो। मैंने बोला बच्चे छोटे छोटे वर्ड कराऊंगा।
ध्यान दो, इसको आप कह सकते हो, हाँ इसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि रूट आगे क्या पता काम आ जाए। ओमनिवेरस आपको पता है क्या होते हैं। अब अगर मैं इसको देखता हूं ओमनिवेरस को, तो ध्यान दो डियर, ये बना भले ही ओमनी प्लस वेरस आपको देख रहे हो, बट जो ये वेरस है ये एग्जैक्टली वेरस नहीं होता, ये होता है वॉर। और जो वॉर का मीनिंग वो रिलेट करता है, वो रिलेट करता है स्वेलो। आप स्वेलो से इसका मीनिंग रिलेट कर सकते हो या ईट से उसका मीनिंग रिलेट कर सकते हो, निगलना या खाना। तो एक ऐसे के लिए आप यूज करो हु, वन हु कैन ईट, वन हु कैन ईट प्लांट, या बोथ लिख देते हैं पहले, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स मतलब मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही है वो, तो उसके लिए हम ओमनिवेरस यूज कर लेते हैं। यहां से स्क्रीन थोड़ा सा आपको कम दिखाई देगी, थोड़ा सा ब्लैक दिखाई देगा क्योंकि अभी भी जस्ट लाइट गई है, वही देख रहा था मैं। तो वन हु कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो उसके लिए आप ओमनिवेरस यूज कर लेते हैं, वो जो स्वेल और ईट से रिलेट करता है। आसान हुआ भाई, चलो मेरे भाई आगे देखो। ईट इजी वर्ड था बट थोड़ा सा मैंने उसको बता दिया, कोई बात नहीं। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है जिसके लिए ओमनी कंपीटेंट वर्ड यूज किया जाता है। देखो कंपीट करना तो आप जानते हो, ये भी एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। अच्छा ये भी एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, पिग्स के लिए कह सकते हो पिग्स आर ओमनिवर्स। ओमनी कंपीटेंट जो होता है वो भी एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, इजी वर्ड है। कंपीटेंट कंपीट से बना है, कंपीट करना है आपको, ओमनी है ऑल, सो आपको कंपीट करना है ऑल सबसे, इसका मतलब सारे मैटर्स में आपको कंपीट करना है, क्या आप ऐसा कर पाएंगे या नहीं। सो आप ये कह सकते हो कि एक ऐसा पर्सन जो कंपीट कर सकता है, जो हैंडल कर सकता है, जो डील कर सकता है सारे मैटर्स से, सारे कोई भी प्रॉब्लम्स हो मैटर्स हो उनसे। सो मैं इसके लिए कह सकता हूं मेरे भाई एबल टू डील विद ऑल मैटर्स। जो पर्सन सारे मैटर्स से क्या कर ले, डील कर ले, उसके लिए आप यूज कर सकते हो ओमनी कंपिटेंट। ऐसा आसान हुआ, यहां तक कॉपी करो फिर करते हैं जरा बातचीत आगे। कॉपी, ये था डियर स्टूडेंट्स आज का सेशन जिसमें ओमनी रूट लिया हमने और उससे बहुत अच्छे से वोकैब मैंने आपको कराई। रूट को और ग्रामेटिकल टर्म्स को कैसे साथ में रखना है, जो ये जान लेगा वोकैब हमेशा उसको बहुत बेहतर याद होगी और लाइफ लॉन्ग याद रहेगी। दूसरी बात माय डियर स्टूडेंट्स, टेलीग्राम चैनल मेरा जाके ज्वाइन करो। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, जिसमें मैंने अपडेटेड स्टडी मटेरियल डालना स्टार्ट किया है। अपडेट रखो अपने आप को, जाओ ज्वाइन करो और साथ साथ जो भी मैं अपडेट दूं उस पर, उसके साथ साथ अपना खुद को कॉपी करते हुए, याद करते हुए इन चीज़ों को, अगर कुछ ग्रामर से रिलेटेड डालता हूं तो उसको प्रैक्टिस किया करो, साथ साथ रहो। ये नहीं कि लॉकडाउन में मस्ती मारो, मार खाओगे सारे के सारे, मस्ती नहीं मारनी, बहुत ध्यान से पढ़ा करो और हमेशा स्माइल, कभी भी नेगेटिव सोच अपने दिमाग में मत आने देना। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टोटल वोकैब के 24 सेशंस में करा चुका हूं, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं स्टार्टिंग से उनको देखो, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल पर। सो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।